Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. आज है हमारे सफर का तीसरा दिन और बज रहे हैं 12:15 और हम लोग जा रहे हैं ताजुल मसाजिद मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए. तो वहाँ जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. और आज तो दिन भर बहुत बिजी होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ. तो ये आ गए हम लोग मस्जिद के करीब. पीछे माशाल्लाह मस्जिद के गुम्बद देख सकते हो आप. तो हम लोगों ने कार पार्क कर दी पीछे और अब जा रहे मस्जिद के अंदर. नमाज अदा करता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ पूरी मस्जिद. COVID-19 के वजह से मस्जिद तो बंद है, यहाँ पे नमाज तो अदा नहीं कर पाएंगे हम लोग. ये मस्जिद बहुत खूबसूरत है, मैंने यहाँ पे एक बार नमाज पढ़ी थी इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूंगा, मगर अफसोस मैं दिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को. ये देखिए, ये पूरा रास्ता है और बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह. ये मैंने तो काफ़ी सोचा था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए और आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ की मस्जिद कितनी खूबसूरत मस्जिद है. यहाँ पे भोपाल में इसे बड़ी मस्जिद के नाम से भी बुलाया जाता है. माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है ये. अफसोस इस बार मिस हो गया नमाज़ पढ़ना यहाँ पर. इंशाल्लाह अगली बार जब भी आऊँगा यहाँ पर नमाज़ पढ़ूँगा. टाइम हो रहा है 1:45 और फाइनली हमारी नमाज़ अदा हो गई. और यहाँ पे एक हमें शख्स मिले जिनका नाम है सौद भाई. ये बकरे से रिलेटेड ही है तो इन्होंने हमको पहचाना, यासर भाई, कलीम भाई मुझे. और वो यहाँ पे इंजीनियर है तो वो यहाँ पे मेंटेनेंस देखते, तो उन्होंने बोला कि आप लोग शूट तो नहीं कर पाओगे, बोला कि आप अगली बार जब भी आओगे तो आप आना, मैं स्पेशल परमिशन लेके आपको यहाँ पर पूरा शूट करवा दूँगा. तो इंशाल्लाह मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो सौद भाई का मैंने नंबर ले लिया है, उनसे बात करूँगा और यहाँ पे पूरा शूट करके आप लोगों को दिखाऊँगा एक अलग तरीके से. और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ फाइनल हुआ नहीं है. जो चैम्पियनशिप है आज, हैवी वेट गोट चैम्पियनशिप, वो होगी 4 बजे के आसपास, कुछ 4 या 5 बजे के आसपास. तो अभी काफ़ी वक्त है हमारे पास. कलीम भाई नाश्ता करने का नहीं, तो अभी कोई प्लान नहीं है, देखते हैं कहाँ जाते हैं. जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे मिलता हूँ मैं आपसे. ये जो शॉप्स देख रहे हो आप लोग, ये शॉप्स भी मस्जिद के अंडर आते हैं. ये जो है मेन एंट्रेंस है मस्जिद का. और मैंने जैसे उनसे पूछा तो ये जो गेट है ये फ्राइडे को खुलता है हमेशा, और अभी कोविड की वजह से बंद है. ये मस्जिद का नज़ारा यहाँ से, यहाँ पर जो गेट है ये हर फ्राइडे की नमाज़ के लिए और ईद की नमाज़ के लिए खुलता है बस. तो ये देख लो बाहर से कम आप लोग व्यू देख लो. ये बहुत बड़ी मस्जिद है. ये मेरे पास इसके फोटोज होंगे जो हम लोग 2017 में आए थे, या कुछ रिकॉर्डिंग भी होगी मेरे पास तो मैं वो आप लोगों को दिखा दूंगा. उस वक्त तो क्या व्लॉगिंग तो करते नहीं थे हम, अब व्लॉगिंग कर रहे तो आप दिखा रहे हैं, तो उस वक्त के कुछ होंगे मेरे पास वीडियोज और फोटोज तो मैं वो डाल दूंगा. ये है हलीम. कौन सी जगह है भाई? ये 3 मोहरे ताजमहल. 3 मोहरे ताजमहल के पास बन रही है हलीम. और कलीम भाई, हम लोग सब लोग खाएंगे. और बहुत खातिम निहारी वो भी बोले.
ये मेरी वाली आ रही है, ये आ गई अभी, इस पर हम लोग ही डालने का वो सेल्फ सर्विस है यहाँ पे, आप लोग डालो नींबू पुदीना और ले लो। तो इन्होंने डायरेक्ट ये दे दिया हमको, और इसमें ये हम डाल रहे हैं मसाला और ये पुदीना और ये नींबू। हलीम तो मैंने खा लिया, बहुत लाजवाब हलीम था, मस्त था पूरा, उसमें का जो मटन था पूरा मैश किया हुआ, एकदम टेस्टी। भोपाल का स्ट्रीट फूड को नंबर वन रेटिंग। ये बिरयानी आ गई है, अब इसे खाते हैं। तो ये आ गया कुलचा और निहारी, बिरयानी फिनिश की है, अब कुलचा और निहारी की बारी है। तो हमने अभी यहाँ पे खाया या नाश्ता किया या खाना खाया, दोनों एक ही साथ हम लोगों ने कर दिया। माशाल्लाह क्या टेस्ट था उसका, निहारी वॉज द बेस्ट। जो निहारी थी वो एकदम बेस्ट थी, सुपर से भी ऊपर थी वो। और करिश्मा ढाबा में जो बिल हुआ था ना हमारा, उसके आधे का आधा भी नहीं पे किया हम लोगों ने, और हम पांचों ने एकदम पेट भर के फुल हो गए हम लोग। और इतना टेस्टी और बेस्ट था निहारी, सात लोगों ने खाया, पांच लोग नहीं, सात लोगों ने खाया। और जो करिश्मा ढाबा का बिल था उससे आधे का भी आधा नहीं दिया हम लोगों ने, बट स्ट्रीट फूड वॉज बेस्ट। जासिम ने देखा था स्ट्रीट फूड वो, और वहाँ ले गया हमें, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी आओगे ना कभी तो वहाँ पे आना। अभी हम लोग आ गए यहाँ पे मनोहर डेयरी में, बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता मिलता है खाने के लिए वगैरह, तो मगर हम लोग ने तो खाना खा लिया है। हम लोग बस यहाँ पे आए हैं मीठे के लिए, लस्सी पियेंगे, फालूदा पियेंगे या कुछ मीठा खाएंगे, देखते हैं अभी कैसा क्या होता है, अंदर चल के मिलते हैं। अभी माइक वगैरह निकाल दूंगा मैं। अरे नहीं यार, दो मिनट लगेंगे। और ये देखा हमें कौन मिल गए, शरीफ उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे उस्ताद? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है। आ जाओ, उस्ताद पियो। पीती के तो ये हाल हो गया हमारा, और तुम्हारे को हम कुछ नहीं बोल सकते, नो कमेंट्स। लोग लस्सी पीते हैं, लस्सी पीने के बाद हो गए एकदम आउट, और कंपटीशन को और बहुत टाइम बचा हुआ है, तो तब तक के लिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रेस्ट। कलीम भाई तो सो गए, यासर भाई दूसरे रूम में सो रहे हैं, सब कुछ इधर जगह मिल गई, सब वहाँ पे सो रहे हैं। तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था जो अभी तक मैंने बनाया है, तो ये वीडियो आपको कल तक मिल जाए वक्त पे, इसलिए बने रहिए। इसके बाद हम जाएंगे कॉम्पिटिशन में, और कंपटीशन का वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद। तो टाइम हो रहा है 4:45, और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे वो कंपटीशन है हैवीवेट गोट का, और वहाँ पे सारे चीज़ों की तैयारी हो गई है। और वहाँ से जस्ट अभी फ़ोन आया था अख्तर भाई का कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सब रेडी हो चुका है, बस बकरों का वेट होना बाकी है, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर मिलते हैं आपसे। तो टाइम हो रहा है 6:30, जिस मेन इवेंट के लिए आए थे वो इवेंट हो गया है, और आप लोगों को वो इवेंट इसमें नहीं दिखेगा, आपको उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया इवेंट हुआ है, अक्की भाई, गुगी भाई, ब्लैक शिप ग्रुप ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया था, और बहुत अच्छी चीज़ हुई वहाँ पे, माशाल्लाह। बोलते ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो वो ब्लॉग आएगा बहुत जल्द, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे, बहुत जल्द आ जाएगा। अभी तो हम जा रहे हैं रूम पर थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और प्लान में सडन ट्विस्ट है, हम लोग रूम पर नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं ब्लैक शिप गोल्ड फार्म पर, वहाँ पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं, तो वो ये ब्लॉग में डाल देंगे। तो फाइनली हम आ गए ब्लैक शिप गोट फार्म, अभी जब भी अंदर जाता हूँ भी दिखाता हूँ, बकरों की आवाज़ शुरू। ब्लैक शिप गोट फार्म पे आ गए, अभी यहाँ पे शाह भाई बैठे अंदर, माशाल्लाह। ओहो क्या बात है, माशाल्लाह, तैमूर भोपाली को इन्होंने तैयार किया था, शाबिर भाई, वालेकुम अस्सलाम शाह भाई, खैरियत है भाई? खैरियत, कब आए तुम लोग? हम लोग आए कल सवेरे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, शाह भाई हमारे साथ है, अभी देखेंगे बकरे, छोटे मोटे, मोटे मोटे तो नहीं दिखेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रहते, पता है ना तुमको। माशाल्लाह, कोटा खूटे पे बंधे हुए, ये तो मेंटल दिख रहा है।
जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट रूम पे जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह रूम पे जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर निकलना भी उसके बाद। हाँ फ्लैगशिप गोट फार्म से निकले और आ गए हम लोग फालूदा खाने, हाजी होटल। यहाँ का बहुत मशहूर फालूदा है और ये फालूदा हाउस से बहुत यादें जुड़ी है हमारी। ये देखो हम लोग सवेरे से लेकर रात तक खा ही रहे हैं। और अभी कितना किलोमीटर जाना है अपने को खाने के लिए? वो अभी जाना 45 और 45 किलोमीटर डिनर के लिए जाना है। हाँ ये पीने के बाद डिनर पे। अच्छा यहाँ पे देखो ये ऐसा फालूदा के साथ बर्फ मिलता है, बर्फ डालो और खाओ। फालूदा खा के आ गए हम लोग रूम पे और अभी यहाँ से कहाँ जाना है हमें पता नहीं है, तो अभी फटाफट से फ्रेश होते हैं और जाते हैं। और टाइम हो रहा है अभी 9:15, कहाँ जाना है कोई आइडिया नहीं है, बस जाते वक्त मिलता हूँ या पहुँच के मिलता हूँ आपसे। नहा धो के हो गए रेडी, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर पे। ऑलरेडी मेरे वजह से सबको लेट हो गया, तो चलिए निकलते हैं फटाफट। सॉरी 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 गाइस, हो गया मेरा। कितना किलोमीटर जाना है अभी? सही बताना। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 45 किलोमीटर का गाना कौन गा रहा था फिर? बस 3 किलोमीटर जाना है, फटाफट से जाएंगे और खाएंगे, खाते वक्त मिलता हूँ। बहुत बहुत नॉइज है। तो हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए बदस्तूर। क्राउड देखो यहाँ पे, LBT शादाब। आज शादाब भाई भी है हमारे साथ डिनर के लिए। मेजबान उठ गया है और आप खाने के लिए। अभी खाना जब आए जब मिलते हैं आपसे। हाँ आज के व्लॉग में आपको सिर्फ खाना ही खाना दिख रहा है, सवेरे से लेके रात तक बस खाना ही खा रहे हैं हम। और ये हमारे यासर भाई, यासर भाई कुछ बोलना चाहेंगे? आज का जो इवेंट हुआ कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट हुआ, हमारे भाई की सब मेहनत है। क्या मेहनत की है यार कि भाई मान गए उस्ताद, जो किसी ने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया। और इनको कौन नहीं जानता है, हमेशा कैमरा के पीछे रहते ये और आज है कैमरा के आगे। शादाब भाई NBT से, माशाल्लाह देखो आ गए हैं कबाब। काम तो काम होता है। अभी शादाब भाई बैठे यहाँ पे तो यूट्यूब की बातें चल रही है, बहुत जल्दी कोलैबोरेशन आने वाला है NBT और M खान ब्लॉग्स का। आप लोग बने रहिए और हम खाना खाते हैं। और ये आ गई सीख, मटन सीख। ये खाते वक्त दो कमेंट्स पे जाते हैं। सब लोग खाने में बिजी है, मैं भी हो जाता हूँ खाने में बिजी और मिलता हूँ आपको खाने के बाद।
इस दस्तर पे क्या गदर मचा है ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। खाना खा लिए, अब वक्त है घर जाने का, यानी रूम पे जाके आराम करने का। और कल निकलना भी है ना हमको, कल निकल जाएंगे ना, कल रिटर्न, कल वापस जाएंगे भोपाल से पुणे। जो काम के लिए यहाँ पे आए थे वो सारे काम बड़ी आसानी से हो गए और अच्छे से हो गए। बादस्तूर रेस्टोरेंट में आए थे हम लोग, खाना खा लिए, एकदम बहुत बढ़िया खाना था। हमारे भाई के साथ आए थे, अख्तर भाई के साथ आए थे, तो खाना तो बहुत अच्छा था। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आउट ऑफ पुणे। नाइस टू मीट यू, फ्रॉम साउथ। आई एम हैप्पी टू सी यू ओवर हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो बदस्तूर में खाना हो गया हम लोगों का, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना और टेस्टी खाना था। तो ये दिन की शुरुआत हुई थी 12:30 बजे, 11:10, 11:10 पे दिन हो रहा है हमारा ख़त्म। तो व्लॉग एंड करने का वक्त आ चुका है, तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ताला, विस्ता।